श्रीगंगानगर में पहुंची रियाना रियाज। महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जन सुनवाई। सर्किट हाउस में जन सुनवाई के कार्यक्रम के दौरान पुष्पा भाटी ने लिया विशेष इंटरव्यू। मैडम, आप महिलाओं को लेकर क्या कहना चाहोगे, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, पढ़ाई लिखाई करो और अपनी कोई इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। समझदार बनो और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जियो और एक मिसाल बनकर जियो। जी मैडम, आप आए हो, सबसे ज़्यादा मुद्दे किस बात को लेकर आपके सामने निकल कर सामने आए हैं महिलाओं के लिए? सारे हैं, जो शादीशुदा जिंदगी की परेशानियाँ, तलाक की, घरेलू हिंसा की, रोजगार की, तमाम तरीके की चीज़ें जो है जो होती है एक समाज में, वो सब चीज़ें आती हैं। जी मैडम, भविष्य में आप इनके लिए यहाँ पे क्या बहुत जो तोहफा देकर जा रहे हो कि ये आपको याद करें, इस ऐसा कुछ करके जा रहे हो? तोहफा किसी को कोई भी नहीं देते हैं कि आदमी को, मैंने कहा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बिल्कुल। और चाहे आप हो, मीडिया से जुड़े, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई और हो, कोई किसी की तोहफा पे नहीं, अपनी काबिलियत पे आगे आना चाहिए और काबिलियत अपने अंदर पैदा करो कि लोग आपको पूछे और पूछे भी। मैडम, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा रहेगा जो कि ये देकर जा रहे हैं रियान रियाज जी। ये अपने आप में अपने कार्यों के लिए पूरे राजस्थान में, क्या पूरे इंडिया में जाने जाते हैं।